एंड वेलकम बैक टू माय चैनल का सदस्य हो एकदम अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है थर्सडे, अभी है सुबह का 10:30 और मैं किचन में हूँ। ढेर सारे बर्तन थे, कल बहुत थकी हुई थी, मैंने बर्तन नहीं धोया था तो मैंने सुबह उठ के पहले घर को क्लीन करी और अब मैंने बर्तन पूरे सारे मैंने क्लीन कर दिए हैं। मेरा अमेजिंग टीम यहाँ पर बन रहा है और ये बताएं, ये मैं बताऊँ, इसी के लिए मैंने अभी वीडियो स्टार्ट की हूँ। वैसे अभी स्टार्ट करने वाली नहीं थी, ये मैं चावल बना रही हूँ, चावल पका रही हूँ। इसमें स्पेशली क्या है थोड़ी देर बाद बताऊँगी और अभी पहले मैं ना अपना काम धाम ख़त्म करके फ्रेश हो जाती हूँ, ठीक है। पूजा के बर्तन आज क्योंकि थर्सडे हैं तो मुझे ये सारे ना साफ़ करने हैं। पता नहीं क्यों साफ़ करती हूँ फिर काले पड़ जाते हैं, तो जो भी हो तांबे पीतल के सामान जो है ऐसे ही होते हैं, तो मैं अभी इसको क्लीन करूँगी। और घर पोछा करना है, घर अभी तक मैंने झाड़ू लगाया है बस पोछा नहीं किया। आज थर्सडे का पूजा जो है गुरुवार वाला पूजा मेरा हो गया है और अभी बहुत टाइम हो गया पता है। और आज है गुरुवार और आज मैं लक्ष्मी पूजा करती हूँ, गुरुवार को ही करते हैं हम तो। लक्ष्मी बार को ना मैं क्या करती हूँ, कलश बिठाती हूँ धुल के ना, जो हफ्ते में एक बार चेंज करके मैं करती हूँ, पर इस हफ्ते मैं नहीं कर पाई क्योंकि कलश को चेंज करने के लिए ना बुधवार को ही उसे हम शाम को निकाल के रखते हैं, पर मैं कल निकाल नहीं पाई थी तो इसीलिए ना उसी कलश में मैंने पानी डाल के दोबारा से मैंने पूजा कर ली हूँ और अगले हफ्ते बुधवार के दिन मैं उसे निकाल दूँगी, तब जाके गुरुवार को मैं फिर से कलश बिठा पाऊँगी। गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे, आज है फ्राइडे मॉर्निंग और मैं, पता है आज क्या हुआ ना, सुबह सुबह उठी 5 बजे मैंने सुन रही थी कि गेट का आवाज़ आ रहा था, तो मैंने सोचा कि अम्मा आई है और हस्बैंड मेरे इतने मतलब वो से मतलब गेट लगा देते हैं ना कि अम्मा नहीं वो कर पाती है, खोल नहीं पाती है, तो अम्मा नहीं गेट खोल पाई और चली गई। और मैंने उठ के देखा कि अम्मा नीचे ना गेट के पास और नीचे का जो भी है ना ग्राउंड फ्लोर का पूरा झाड़ू वाड़ू करती है, वो कुछ भी नहीं करिया जैसे ही चली गई। तो मुझे अभी ना पूरा करना है, मतलब ये जो कमर में पहले ही मेरी लगी हुई है ना और मुझे ऐसे बेंड होकर झाड़ू लगाने में बहुत मुश्किल हो रही है, पर क्या करें, अपना है, करना तो यह ही है ना, कैसे भी करके मतलब अच्छा नहीं लगता है ऐसे छोड़ना और मैं कभी छोड़ती भी नहीं हूँ चाहे जितना भी मैं बीमार हो जाऊँ। तो कल मैं कुछ लोगों की बातों से और कुछ लोगों की बिहेवियर से थोड़ी सी मेरे दिल को चोट पहुंची है, बुरा लगा है मुझे, पर थोड़ी सी अपसेट थी और मैं पर कोई बात नहीं, खैर क्योंकि हर रोज़ सुबह एक नई शुरुआत के साथ शुरू करनी चाहिए, तो मैंने कल की बात कल को ही छोड़ दी मैंने और आज जो है नया नई सुबह के साथ मैं नई शुरुआत करी हूँ। पानी छिड़क रही हूँ यहाँ पर, छोटा सा एक रंगोली बनाऊँगी। अम्मा जब नहीं आती थी तब भी मैं ऐसे ही करती थी और अम्मा आती है शुरू से ही, मतलब बहुत दिनों से आती है तो वो करती है, आज क्योंकि नहीं आई तो मुझे करनी पड़ रही है। मैं उतने अच्छे से रंगोली नहीं बना पाती हूँ, मतलब जो भी होता है मतलब काम चलाने वाला हो जाता है कि छोटा मोटा सा एक डाल देती हूँ। और गेट जो है ना, गेट की कुंडी बहुत टाइट हो गई थी, इसी वजह से अम्मा नहीं खोल पा रही थी, तो हस्बैंड ने ना सुबह उसमें ना तेल डाल दिया है कि ताकि कल से ऐसा ना हो, क्योंकि उनको भी पता है मेरी कमर दर्द थोड़ी ज़्यादा ही है। गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे और आज है फ्राइडे। कल मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई, सिलाई की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाई। कोता गई बाबा,
तो फ्रेंड्स सिलाई का काम तो आज भी है, तो इसलिए मैं सुबह सुबह सारा काम जो भी है कंप्लीट कर रही हूँ। कपड़े यहाँ पर मैं धो रखे थे तो मैं अभी डाल रही हूँ। पहले ना थोड़े से उसको ऐसे ही लटका के रखा था नल के पास कि इसकी बहुत कलर निकल रही थी, ब्लू कलर ना बहुत ज़्यादा निकल रही थी, तो नीचे गिर के ऐसा ब्लू ब्लू हो गया जैसे कि होली का टाइम हो गया हो। तो जो भी वो पानी इसका झड़ गया है तो मैंने सोचा कि अब डाल देते हैं। पहले तो रेलिंग में डाला, तो रेलिंग पे डालने से क्या हो रहा था ना, नीचे का डस्ट इसमें लग रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं वहाँ रस्सी में ही टंगा देते हैं। अभी जो है बबलू का छुट्टी चल रहा है, मंडे तक उसकी छुट्टी है, तो ना बहुत सारी मेरी मदद कर देता है। मतलब जैसे पौधों में पानी डालना हो, पुचकू का जो पुचकू के बर्तन होता है ना पानी वाला, खाना जिसमें खाना देती हूँ वो वाला, वो साफ कर देता है। थोड़ा कभी कभी पूजा पाती करता है, पानी का बॉटल अगर खाली पड़ा हो तो वो कर देता है। बहुत सारे काम मेरी, बहुत सारी मदद मेरा बेटा कर देता है, तो थोड़ी सी मुझे राहत मिली हुई है। लेकिन मंडे तक ही है, मंडे से फिर वो सुबह 7:30 बजे तक निकल जाएगा और मुझे उठना पड़ेगा 6:30 बजे तक, क्योंकि उसके लिए नाश्ता बना के मैं देती हूँ और लंच भी पैक करके देती हूँ। तो जो भी हो, कल मैंने चावल बनाया था तो मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मैं यहाँ पर चावल बना रही हूँ तो उसमें कोई ख़ास बात होगी ज़रूर, इसीलिए मैंने आपसे बोला था। तो पता है नीचे ना हमारे यहाँ पर गली में ना बहुत सारे कुत्ते हैं, तो उन कुत्तों को देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। इतनी ठंडी में हम घर में स्वेटर वगैरह सब कुछ पहन के है, फिर भी हमको हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि इतनी ठंडी में हम कैसे रहे। लेकिन उन कुत्तों को देख के मुझे इतना बुरा लगता है कि उनके लिए तो कोई नहीं है। और पता है एक कुत्ता है ना, वो कहीं दूर से कहीं और जगह से आया है, तो बहुत दुबला पतला सा है, बहुत कमज़ोर दिखता है वो कुत्ता। आप लोग हंसेंगे शायद, क्या ये कुत्ता लेकर बैठी है, पर उसके अंदर भी तो जान है ना। मतलब जैसे हमारे अंदर सब कुछ है तो उसके अंदर भी है, पर वो बोल नहीं सकता। हम लोग तो बोल देते हैं कि हमें ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, वो बोल नहीं सकता है। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत भूखा है, तो मैं उसी कुत्ते के लिए ना थोड़ा चावल पकाई थी। अलग चावल था मेरे घर में पड़ा हुआ, तो मैंने अलग से चावल बनाई थी और मटन बना के रखा था मैंने, फ्रिज में मेरी पड़ी थी। तो उससे मैंने बोला कि उसको दे देते हैं कुत्ते को ना, यहाँ पर ना कुत्ते रोटियाँ नहीं खाती है। मैंने बहुत बार देखा है रोटी देकर, पर कुत्ते रोटी नहीं खा रही है यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि कुत्ते, क्योंकि मांस मछली जो है कुत्ते बहुत ज़्यादा पसंद से खा लेते हैं, तो मैंने सोचा इसी से दे देते हैं। तो मैं बोलूँ ना, उस वो कुत्ता जो है इतना पसंद से, इतना पेट भर से वो खाया, क्या बताऊँ। और मेरा दिल खुश हो गया, मतलब मैंने इतना तो है कि मैंने किसी का आज पेट भरा है, तो यही मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसी चीज़ को आपके साथ मैं शेयर करना चाहती थी, पर ना काम की वजह से आप लोगों को तो पता ही है कि मैं काम में बिज़ी हो जाती हूँ, तो मुझे और कहीं और, मतलब जिस काम में मैं लगती हूँ उसी वहीं पर मेरा ध्यान पूरा रहता है, तो काम की वजह से मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। मैंने वो मतलब भात जो बनाया था उसको मटन करी से मिक्स करके ना बबलू जाकर दे आया नीचे, और बोला, थोड़ी देर बाद गया था तो बोला, मम्मी सारा खाना जो है खा लिया है कुत्ते ने। तो मुझे इस बात से बहुत तसल्ली हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आपके आसपास भी ऐसे ही कोई जानवर हो ना, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जगह पे देखती हूँ कि बस गाय को ही खिलाना है, गाय को रोटी खिलाना है, गाय को रोटी खिलाना है। देखो, जान तो हर चीज़ में होती है ना, गाय हो या कुत्ता हो या कुछ और हो, जो भी हो, सब में जान होती है। तो हमें हमारी आँखों के सामने कुछ कोई भी पड़े ना उसी को खिलाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ना कि हमें पुण्य कमाना है इस वजह से हम गाय को खिला देंगे रोटियाँ, तो ये मतलब किसी मतलब की वजह से कुछ ना करें, बस हमको करना चाहिए, ये सोच के हमको करना चाहिए। तो यहाँ पर जो दूध है, दूध में बबलू के लिए उसमें बहुत सारी मलाई पड़ गई है। बबलू बहुत नखरा करता है, मलाई वलाई इसका नहीं पसंद, पर पड़ गई है, अब क्या करूँ। और ये वाला दूध जो है पुचकू के लिए है, पुचकू को मैं डायरेक्ट दूध नहीं देती हूँ, इसमें मैं पानी मिलाऊँगी। और यहाँ पर जो है प्रीमियर चल रही है सुबह सुबह की, और ये देखो मेरी था। मैंने होली नहीं खेला है, ये जो मैंने साड़ी धो के मैंने डाला ना उसी का कलर है। मेरी होली की शुरुआत हो गई है ना। और ये देखो पुचकू रानी, पुचकू हाय बोलो, जाओ हाय बोलो, बोलो हाय बोलो,
बोले दो, बोलबो ना, तुम्हें बोलबो ना, हाय बोले दो। तो फ्रेंड मैं अभी पीने लगी हूँ चाय और आप लोग भी आ जाइए सुबह सुबह की गरम गरम चाय अदरक वाली मेरे साथ पीने के लिए। हम सब बैठ के पीते हैं चाय। पता है कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि 3-4 दिन मुझे ज़्यादा काम है, तो इस वजह से ना कल कोई वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ। और मैंने सोचा कि वीडियो जो कल शुरू करी थी तो उसका एंड आज कर देते हैं सुबह सुबह ही, क्योंकि मुझे फिर एडिट करना होगा। सिलाई भी है, ऐसा नहीं कि मैं एडिट कर दूँगी और मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, खाना वाना बनाऊँगी, रेस्ट ले लूँगी, ऐसी बात नहीं है। सिलाई का काम भी है। और शांति जो है अभी भी आएगी, एक मिनट। और ये काम भी जरूरी है। तो यही था आज का वीडियो। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बटन को भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आप लोग मुस्कुराते रहना, हंसते रहना, खुश रहना। कुछ को देखो, बिस्किट के लिए बैठी है, उसको मैंने दूध दे दिया है, फिर भी उसको ना बिस्किट चाहिए ना, नाराज हो गई।